हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने एक आधिकारिक बैठक ली, जिसमें कहा कि पिंजौर में लगभग 78 एकड़ में बनने वाली आधुनिक सेब मंडी से एक ओर जहां हरियाणा का आर्थिक विकास होगा, वहीं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब किसानों को भी लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही पंचकूला के सेक्टर 20 में 3 एकड़ में सेब मंडी बनाई गई थी, परंतु सेब के सीजन के दौरान जगह की कमी और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए पिंजौर में पहली सबसे बड़ी सेब मंडी बनाने के निर्णय से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर भारत के अन्य प्रांतों के किसानों, व्यापारियों, लॉजिस्टिक सुविधाएं प्रदान करने वालों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा होगा। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू से आने वाले सेबों को दूर दराज स्थानों जैसे दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई के कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, जिससे परिवहन में अत्यधिक खर्च होता ही है, साथ ही फलों एवं सब्जियों की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है, इसलिए पिंजौर की सेब मंडी इन तमाम समस्याओं का समाधान की। आज हमारे जो मार्केटिंग बोर्ड विभाग ने स्टेक होल्डर्स की एक कार्यशाला रखी है और इसका विषय ये था कि जो एप्पल की मार्केट बनाने जा रहे हैं, उसके लिए मंडी बनाने जा रहे हैं पिंजौर के अंदर, उसके अंदर क्या सुविधाएं हो। ये मंडी 80 एकड़ से बड़ी ज़मीन में बिल्कुल आधुनिक स्तर पर हम बनाना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य ये है कि एप्पल ग्रोअर को पूरा लाभ हो, व्यापारी को पूरा लाभ हो, माल खराब ना हो, क्वालिटी बिल्कुल सर्टिफाइड हो और एंड यूज़र तक जो प्रोडक्ट जाए वो अच्छा जाए। तो इसमें सारे हमारे जो दिल्ली के मंडी बोर्ड के संबंधित जो आज़ादपुर मंडी के दो अधिकारी थे वो भी हैं, एप्पल ग्रोअर भी हैं, हमारे मंडियों से संबंधित अधिकारी भी हैं और देश विदेश के भी जो मंडियां चलाते हैं वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, वो अधिकारी भी हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि इतनी अच्छी ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।